अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज माइक्रो के साथ एंट्री है स्टार्ट में ही, और इसकी पहले से ही आंखें रेड हुई हुई हैं, आंखें रेड हुई हुई हैं। माइक्रो और मुझे दोनों को, हम दोनों को फ्लू भी हुआ हुआ है और टेम्परेचर भी हुआ हुआ है। शायद जो मौसम है वो थोड़ा चेंज हुआ है, इस वजह से। तो बस इस दोनों की तबीयतें थोड़ी थोड़ी ख़राब हुई हुई हैं, इसलिए बस अभी जा रहे हैं मार्केट। और आज ठंड भी बहुत है तो हमने कहा हम फ़िश खाते हैं। आप भी कहोगे फ़िश? तो फिश लेने जा रहे हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस किस्म की फ़िश होती है और वो हमें किस हिसाब से मिलती है। माइक्रो जब बाहर निकलती है इसकी खुशी की इंतहा हो जाती है। और चलो बाहर चले, बटन दबाओ लिफ्ट का, जाओ। नहीं दबाया जा रहा, हम थर्ड फ्लोर पे रहते हैं और बस अभी लिफ्ट का वेट कर रहे थे। अच्छा, वाओ, आर यू हैप्पी? हैप्पी है मेरा बेटा। ये सैंडी आ गई है, टाइम टू स्टार्ट द सैंडी। अच्छा, ये जो सैंडी है ये बहुत नखरीली गाड़ी है। इसको पता होता है कि जब मेरे पास पैसे आ रहे हैं या मेरी सैलरी आने वाली है, ये ऑटोमेटिकली कोई ना कोई अपने अंदर फॉल्ट ले आती है। अच्छा, बहरीन में फ़िश जो है वो बहुत चीप मिलती है और बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती है। उसकी वजह ये है कि बहरीन जो है एक बहुत छोटा सा आइलैंड है और इसकी हर तरफ जो है वो समंदर ही है। तो यहाँ पे फ़िश जो है वो बहुत चीप और बहुत अच्छी मिलती है। अभी हम दो किस्म की फ़िश ले सकते हैं यहाँ पे, या तो जाके किसी सुपरमार्केट से ले सकते हैं, वहाँ पे थोड़ी फ्रोज़न होती है, या हम फ्रेश मतलब कहीं बाहर से लोकल जो बंदे वेंडर्स बेच रहे होते हैं उनसे जाके ले सकते हैं। तो बस अभी जाके देखते हैं कि कहाँ से सही मिलती है, क्योंकि हमें फ्रिश जो फ़िश है वो फ्रेश चाहिए। तो चलते हैं जाके देखते हैं कि सुपर मार्केट में सही मिल जाती है या किसी लोकल बार जो बाज़ार लगा होता है वहाँ से जाके लें फिर हम। अच्छा, तो हमारा फ़िश हंट स्टार्ट हो गया है। फ़िश हंट के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे घर के करीब जो सुपर मार्केट है उसका नाम लुलू है, और ये हाइपर मार्केट है। जिस तरह मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि अंसार गैलरी है, सेम लुलू है, सेम मार्केट है। लेकिन अंसार गैलरी में क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ा फर्नीचर और कपड़े वगैरह भी मिलते हैं, हालांकि बाकी लुलू में भी मिलते हैं, लेकिन लुलू जो है मोस्टली जो है वो ग्रॉसरी के लिए फेमस है। तो सबसे पहले जाके लुलू देखते हैं कि अगर हमें वहाँ से अच्छी फ़िश मिल गई तो फिर हम मनामा नहीं जाएंगे, क्योंकि मनामा थोड़ा सा हमें दूर पड़ता है। तो लेट्स सी, फ़िश लेने से पहले, फ़िश से अपना पेट भरने से पहले गाड़ी का पेट भर रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं। और इधर जो पेट्रोल है पाकिस्तान की नस्बत बहुत सस्ता मिलता है, इधर 140 फिल्स का है। तो मतलब पाकिस्तान में अगर 300 रुपये लीटर है तो इधर तकरीबन वो हमें पड़ता है आई थिंक 110 या 115 रुपये लीटर पड़ता है। 4 दिनार में 28 लीटर पेट्रोल डला है, और 4 दिनार ऑलमोस्ट होते हैं हमारे, कोई 4 दिनार जो होता है वो उस टाइम मेरे जहन से कैलकुलेशन ही निकल गई, तकरीबन 3,000 बनता है। तो मतलब 3,000 में 28 लीटर पेट्रोल मिला है हमें। तो कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 लीटर कितने का पड़ रहा है। और सेकेंडली, यहाँ की पेट्रोल की क्वालिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इनकी अपनी प्रोडक्शन है, खुद ही निकाल के बस रिफ़ाइन करते हैं और यूज़ करते हैं। अच्छा, भूख इतनी लगी हुई है ना कि हमसे मतलब सुपरमार्केट भी नहीं जाया जा रहा। उससे पहले जो है हम इधर आ गए हैं, करा कि इधर हम बर्गर खाने आ गए हैं। पहले यहाँ से बर्गर खाएंगे, फिर जो है हम फ़िश लेने जाएंगे, और फिर आके फ़िश बना के फ़िश खाएंगे। सबसे पहले बर्गर खाएंगे। अब बर्गर शर्गर खा के लुलू हाइपर मार्केट पहुँच गए हैं। वो सामने है लुलू, उसकी बिल्डिंग है। बस यहाँ पे एज़ यूजल वही सेम ट्रैफिक है, और उसकी वजह से रोड जो है थोड़ा स्लो यहाँ पे चलता है। वो लुलू लिखा हुआ है, ये बहरीन में एक तरह का ग्रॉसरी किंग है। इधर दुनिया की हर चीज़ आपको, इटालियन, कोरियन, चाइनीज़, जो जिस कंट्री में अपने यूज़ करते हैं वो हर किस्म की चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी। बस इधर का एक ही इशू है कि इधर पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है। तो आज देखते हैं हमें पार्किंग मिलती है या नहीं।
ले जी मॉल के अंदर पहुंच गए हैं। बस फिश हंट से पहले यहाँ पे पार्किंग हंट करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत रश होता है, तो अल्लाह करे जल्दी से हमें पार्किंग मिल जाए ताकि जाके हम फिर फिश लें। बस पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके ऊपर जाते हैं और फिश देखते हैं। तो यार हमें मारी ना, सामने इनकी मीट मार्केट है। लहूम जो अरबी में वो मीट को कहते हैं, लेकिन हमें जो है जाना है सी फूड वाली साइड पे, ये लिखा है। ऐसी ऐसी किस्म की मछलियाँ जिनका हमें पता भी नहीं है, नाम भी नहीं पता, ये कितनी खौफनाक है, कितनी बड़ी है, ये ऑलमोस्ट 5 किलो की होनी है। इसको नीडल फिश कहते हैं, इसके आगे बिल्कुल इसके जो होता है नीडल की तरह बनी होती है चोंच, या बीक जो होती है इसकी, बीक जो है वो बिल्कुल नीडल की तरह है। अच्छा ये है जिसकी फिंगर फिश बनती है पाकिस्तान में भी, इसको कहते हैं फ्रोजन क्रीम डोरी फिश फिले। तो एक ये लेने लगे हम, ये पता नहीं कैसी फिश है, ये है स्टिंग रे। हाँ इसकी टेल में कुछ होता है, करंट वगैरह सुना है, ये तो जैसे कोई शार्क का ही पीस पड़ा हुआ है। इसको हम रोहू कहते हैं पाकिस्तान में। ये स्टिंग रे पता नहीं लोग कैसे खाते हैं, मुझे उसकी आंख देख के अजीब से खौफ आ रहा है। और ये स्क्विड्स हैं, एक छोटे किस्म के ऑक्टोपस ही होते हैं। ये श्रिम्प्स हैं, श्रिम्प्स भी लगे हुए हैं, और बाकी सारी मछलियाँ छोटी छोटी, ये लेडी क्रैब्स, बॉडी शेयर, ये भी लोग खाते हैं, हम तो मैं तो नहीं खा सकता। अच्छा ये जो फिश है ये एक एक डेढ़ डेढ़ इंच की है, और हम पाकिस्तान में पालते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जो है इनको आराम सुकून से खाते पीते हैं। ये देखिए एक, एक एक इंच की है मुश्किल से। अच्छा ये जो हमने यहाँ से फिश ली है इसको पाकिस्तान में रोहू कहते हैं, और रैबिट में और इंडियंस जो होते हैं खासकर वो इसको तिलापिया कहते हैं। तो ये जो हमने फिश ली तकरीबन 1 किलो 220 ग्राम है, और ये तकरीबन हमें 1 दिनार 940 फिल्स की पड़ी है। बाहर निकलें और माइक्रो के लिए लें, कुछ ना लें ये हो सकता है। नुटेला माइक्रो उठा ले भाई अपनी नुटेला। यहाँ पर मुझे पहली बार बहरीन में ये प्राइम नज़र आया है, ये लोगन पॉल का ब्रांड है, और इसकी जो प्राइस है एक की वो 3 दिनार है, मतलब ये कम से कम 2300 की एक बोतल है, बहुत महंगा है भाई। फिश ले ली है, फिश तो एक माना था, फिश के साथ साथ आधी ग्रॉसरी ले ली है, और बस अभी घर जाना है। लेकिन घर जाने से पहले एक बार हमने एक आउटलेट पे जाना है, अल नसर उसका नाम है, क्लोदिंग का बहुत अच्छा आउटलेट है, अगर वहाँ से कोई चीज़ मिली तो वो दिखाएँगे, नहीं तो सीधा घर जा के फिश की मैरिनेशन करके आपको दिखाएँगे। ये अल नसर है, इसकी एक ब्रांच मैंने लाहौर में भी देखी थी, ये मतलब इंटरनेशनल ब्रांड है, ये लाहौर में भी मैंने इसकी ब्रांचेस देखी थी, और उनके पास भी सेम इसी तरह के कपड़े थे। तो बस चलते हैं अंदर, देखते हैं कि कोई चीज़ हमें पसंद आती है जो ली जाए या आना फजूल रहा है। अच्छा अल नसर से अभी हम निकले हैं, अल नसर में हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आई, जो चीज़ हमें पसंद आती थी उसमें हमारा साइज़ नहीं होता था, और जिस चीज़ में साइज़ होता था वो हमें पसंद नहीं आती थी। तो बस अभी घर चलते हैं और डिनर की प्रिपरेशन करते हैं अभी। अच्छा ये जो हम फिश लेके आए थे उसको बसंती को हमने यहाँ पे 100 टुकड़ों में कर दी है, अभी ये उसके बाद सबसे पहले गर्म ऑयल में जाएगी, और उसके बाद गर्मा गर्म हमारे पेट में जाएगी।
लें जी ये बसंती फ्राई होने के बाद इसकी लुक के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मसाला लगा हुआ है। और अभी बस इसको जो है जितनी इसने मेहनत करवाई है ना पार्किंग और जितना इसने हमें घुमाया है इसको तो सही अभी नबेड़ते हैं। अच्छा खाना शाना हो गया है, फिश खा ली है, जिसको पूरा दिन जो हम पूरा दिन क्या तकरीबन 1-1.5 घंटा जिसके पीछे हम फिरते रहे हैं। और बस आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और अगले आने वाले व्लॉग्स में जो है नए एडवेंचर्स लेके आएंगे और नए नए खाने होंगे और फिर बाहर फिरेंगे, आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि हमारे साथ आप लोग भी इंजॉय करें, आपको बहरीन के हिडन सीक्रेट्स के बारे में बताएंगे या जितना हमें बहरीन के बारे में पता है वो बताएंगे, खासकर जो प्राइस कंपैरिजन चीज़ों में चल रहा है कि मतलब ये चीज़ इधर इतने की और पाकिस्तान में वो कितने की है वो भी शेयर करूंगा। और माइक्रो जो है माइक्रो फ़िलहाल सो रही है, बाकी फिर इंशाल्लाह ताला जब माइक्रो होगी तो माइक्रो की शैतानियाँ भी देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।